व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आइए वीर, वेलकम टू स्ट्रेडलर फैमिली। तो फिर से आप लोगों के सामने आ गए। संडे, संडे एक ऐसा दिन होता है जिसमें आप लोग अपने आप को फिर से रिवाइव कर सकते हैं, फिर से अपने आप को एनर्जेटिक फील करा सकते हैं, ताकि कंप्लीट वीक आप लोग शानदार तरीके से अपना काम कर सकें। और इसी के साथ में थोड़ा सा स्टडी कर लेना चाहिए आई थिंक मॉर्निंग में, उसके बाद में आप लोग इवनिंग में अपने दिन को अच्छे से इन्जॉय कीजिए, ताकि लास्ट तक आप लोग फिर से अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। और कोशिश यह कीजिए, नया कुछ मत पढ़िए, संडे में रिवाइज करने की कोशिश कीजिए चीज़ों को जितना ज़्यादा आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि पूरे वीक में जो पढ़ा है उसको आप लोग को पचाना भी होता है। वो नहीं कहते खाना खाने के बाद में पचाना भी होता है। तो इसी तरीके से पढ़ते जाएंगे, इनपुट के साथ साथ में आउटपुट भी आप लोगों को देना है, ताकि आप लोगों को माइंड की साइकिल कंप्लीट हो सके, जो कि एग्जामिनेशन हॉल में काम आने वाली है। और वो साइकिल को कंप्लीट करने का एक काम करता है आप लोगों के ये क्वेश्चन, जो कि मैं आप लोगों को देता हूं। ये क्वेश्चन भी प्रैक्टिस आप लोगों को इसी तरीके से करने हैं, ताकि आप लोग कंफर्टेबल फील करें एग्जामिनेशन हॉल में। तो आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ये जो डिस्कशन है हमारा तीन पार्ट में डिवाइड होता है। पहले एक आप लोगों के सामने जीआई टैग होगा, फिर एक छोटा सा क्विज होगा, उसके बाद में डिटेल में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले भौगोलिक संकेतक की बात करते हैं, जो कि मैंने आप लोगों से पूछी थी। ये है मदुराई संगुड़ी, इसके बारे में आप लोगों से पूछा था। ये आप लोगों के सामने है, यहाँ पर इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलता है। अगर आप लोग पिक्चर इसकी देखेंगे, जो ये कपड़ा है यहाँ पर, ये कॉटन फैब्रिक का है। और इसी के साथ में ये जो कपड़ा है यहाँ पर, ये जो नॉर्मल यहाँ पर पर्टिकुलर एरिया में ट्रेडिशनल पेंटिंग की जाती है, उसके बेस पर यहाँ पर ये बनाया जाता है। तो इसीलिए जैसा मैंने आप सभी लोगों को बताया था, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन या फिर भौगोलिक संकेतक का दर्जा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को दिया जाता है, जो कि किसी पर्टिकुलर एरिया की स्पेशलिटी होता है। तो ये यहाँ पर मदुरई, जो कि तमिलनाडु में यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट का इसको दर्जा दिया गया है, तो इस पर्टिकुलर एरिया की ये स्पेशलिटी है। हैंडीक्राफ्ट यानी कि हथकरघा, यानी कि हाथों से बनाई जाती है ये सारी चीजें। तो इस तरीके से इसको आप लोग देख सकते हैं, हथकरघा या फिर हथशिल्प भी आप लोग बोल सकते हैं, यानी कि एक तरीके से जो कलाकारी की जाती है मैनुअली भी यहाँ पर काम देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आप लोग इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो आप लोगों का जेई टैग है, ये तंजावुर पेंटिंग, जाकर मैप जाकर देखिएगा कहाँ पर ये क्या क्या इसकी किस तरीके से दिखती है, किस तरीके की पेंटिंग है यहाँ पर, कौन से राज्य की है और किस टाइप की कैटेगरी में ये आता है। बाकी आइए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। अब आप लोगों के सामने है यहाँ पर वार्म अप क्विज, जो कि आप लोगों को अच्छे से अटेम्प्ट करना है। इसके बाद में आप लोगों को इसका आंसर बताया जाएगा, और फिर आप लोगों को मैच करके नीचे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर लिखना है। सबसे पहले बात की जा रही है यहाँ पर एक मिनिस्ट्री के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। आप लोग को उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है, जो कि यहाँ पर कौन सी कंट्री रहने लायक सेफ कंट्री है वर्ल्ड में, उसके बारे में बताती है। आइसलैंड कंट्री यहाँ पर सेफेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में, जो कि सबसे टॉप पोजिशन पर है। ये रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई है, ये आप लोग को बताना है। नेक्स्ट जो बात की जा रही है यहाँ पर, हमारी कंट्री में हाईएस्ट और लोवेस्ट जो सेक्स रेशियो है वो कौन से राज्य में है। दोनों राज्य का पेयर आप लोगों को बताना है, किस में हाईएस्ट है और किस में लोवेस्ट है अकॉर्डिंग टू 2011 का जो सेंसस हुआ है, यानी कि जो जनगणना 2011 की थी उसके हिसाब से यहाँ पर बात पूछी गई है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनोग्रेट किया गया था अभी, ये आप लोगों को बताना है। कौन सा एडिशन था इंडियन साइंस कांग्रेस का, जो कि जालंधर पंजाब में 2019 में यहाँ पर ये इनोग्रेट किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर सेशन रहा है और काफी न्यूज में भी था, इसके बारे में हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। 100 रुपी का जो कॉइन है वो अभी यहाँ पर जारी किया गया। हमारे कौन से फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की इमेज इसके ऊपर थी, जो कि यहाँ पर उनकी याद में ये जारी किया गया। हजारीबाग नेशनल पार्क हमारी कंट्री के कौन से राज्य में है, ये आप लोगों को बताना है। स्पोर्ट मिनिस्ट्री के द्वारा 100 करोड़ रुपये फंडिंग एथलीट अंडर, जो यहाँ पर टॉप जिसको बोला गया है, यानी कि टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, ये 2020 के जो ओलंपिक होने वाले हैं उनके लिए तैयार किया जा रहा है बच्चों को। तो ये बताना है आप लोगों को यहाँ पर कहाँ पर ये ओलंपिक हो रहे हैं, जिसके बारे में हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। मोरे डार्लिंग सिस्टम, ये एक तरीके का ग्रेटेस्ट रिवर सिस्टम है वर्ल्ड का, ये कौन सी कंट्री में लोकेटेड है, ये आप लोगों को बताना है। इसी के साथ में हमारी कंट्री के द्वारा एक इमिग्रेशन पोस्ट खोली गई, चेक पोस्ट, ये यहाँ पर किस कंट्री के बॉर्डर पर है इंडिया और किस कंट्री के, जिसका नाम है जोखावतर पोस्ट, ठीक है, जोखावतर इमिग्रेंट पोस्ट, चेक पोस्ट। तो इसका नाम बताना है कौन सी कंट्री के बॉर्डर पर इंडिया को कनेक्ट करती है ये। गोल्डन जुबली, जिसका मतलब होता है 50 साल कंप्लीट हो गए, तो कौन सी कंट्री के डिप्लोमेटिक रिलेशन के रिसेंटली अभी 50 साल कंप्लीट हुआ है हमारी कंट्री के साथ में, उसका नाम आप लोगों को बताना है। आंसर अभी बताऊंगा, मैच कीजिएगा, इसके बाद में नीचे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर लिखना मत भूलना। तो देखते हैं क्या क्या आंसर है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा तैयार की जाती है सेफेस्ट कंट्री की रैंकिंग, और इसमें सबसे टॉप पोजीशन पर जो है वो है आइसलैंड, जो कि टॉप पोजीशन पर है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सेफ कंट्री है। सॉरी, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फंड फोरम नहीं है, फंड है ये, ठीक है ना, आई थिंक मैं फंड फोरम बोल रहा था, तो ये फंड है वर्ल्ड इकोनॉमिक फंड, तो इसके द्वारा यहाँ पर ये तैयार की जाती है। केरला और हरियाणा की यहाँ पर बात करें तो हाईएस्ट सेक्स रेशियो यहाँ पर केरला में है और लोवेस्ट हरियाणा में है। हरियाणा के लिए इसी तरीके से कई सारी स्कीम चलाई गई ताकि यहाँ पर सिचुएशन को संभाला जा सके, ठीक है। यहाँ पर जो बात की जा रही है 106 ये एडिशन देखने को मिला अभी जालंधर के अंदर, जो कि इंडियन साइंस कांग्रेस का था, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनोग्रेट किया गया था। 100 रुपी की अगर कॉइन की बात करते हैं तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी का इसके ऊपर
इसके ऊपर जो इमेज थी वो इनकी थी, जिनकी यादगार में ये कॉइन जारी किया गया था। हजारीबाग नेशनल पार्क झारखंड में आप लोगों को देखने को मिलता है, ये कई बार न्यूज में भी था, तो इसके बारे में हल्का सा आइडिया आप लोग रखते हैं। स्पोर्ट मिनिस्ट्री के द्वारा जो टॉप्स की बात की गई, यानी कि टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, ये 2020 में टोक्यो ओलंपिक होने वाले हैं, उसके बारे में यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। मोरे डार्लिंग सिस्टम, ये ग्रेटेस्ट अमंग द रिवर सिस्टम यहाँ पर माना जाता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। नेक्स्ट जो पोस्ट की बात की जा रही है, इमिग्रेंट चेक पोस्ट की, ये इंडिया और म्यांमार के पोस्ट बॉर्डर पर है, जिसके बारे में आप लोग याद रखते हैं, जो खवतार जिसका नाम यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, पर्टिकुलर एरिया के नाम पर। अगर बात करें यहाँ पर गोल्डन जुबली ईयर, तो इंडिया और भूटान की जो गोल्डन जुबली ईयर यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया, 50 साल कंप्लीट हो गए डिप्लोमेटिक रिलेशन के इंडिया और भूटान के, तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। आप लोगों को वो भी याद होगा, 70 साल कंप्लीट होने पर इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में एक अभी कॉमेमोरेटिव एक स्टैम्प जारी किया गया था, जो कि रामायण से रिलेटेड था, तो वो भी आप लोग हल्का सा आइडिया जरूर रखिएगा। आइए डिटेल में थोड़े क्वेश्चन जानते हैं यहाँ पर, जो कि आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे डिटेल में। थोड़ा पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर, इनके बारे में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं और कई बार आप लोगों को पता होता है आंसर और आप लोग आंसर नहीं दे पाते हैं थोड़े कंफ्यूजन की वजह से, तो थोड़ा ध्यान से देंगे तो आप लोग अच्छे से आंसर दे पाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये बात करें यहाँ पर क्रेच स्टेज के बारे में, ये अभी काफी न्यूज में था, क्योंकि लोकेशन आप लोगों को पता होगी, जब बात की जा रही है ब्लैक सी के अंदर जो क्रीमिया वाला इश्यू चल रहा था, किस किस कंट्री के बीच में, तो वो आप लोगों को बताइए, अभी आगे बात करेंगे जब कंट्री भी दिखाऊंगा मैं, तो ये किसके बीच में ये पड़ता है ये आप लोगों को बताना है, कैस्पियन सी या फिर ब्लैक सी के बीच में, ब्लैक सी पर्शियन गल्फ के बीच में, सी ऑफ अजोव या फिर पर्शियन गल्फ के बीच में, सी ऑफ अजोव या फिर ब्लैक सी के बीच में, तो आंसर अभी आप लोग एक बार देख लीजिए, आंसर तो हो गया इसका डी, तो डी हो गया, तो मतलब सी ऑफ अजोव हो गया और ब्लैक सी हो गया, इसके बीच में यहाँ पर ये देखने को मिलता है क्रेच स्टेट, जो कि दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है। यूक्रेन का ये मुद्दा है काफी लंबा, रशिया और यूक्रेन का मुद्दा है काफी लंबा, खासकर क्रीमिया को लेकर, ठीक है, तो इसी के रिलेटेड यहाँ पर ये इसलिए न्यूज में था, क्योंकि अभी रशिया ने यहाँ पर पकड़ लिए थे कई सारे जहाज जो कि यूक्रेन के थे, और उनको यहाँ पर जाने से मना कर दिया गया था, इस स्टेट पर उनको रोक लिया गया था, इसलिए काफी न्यूज में था। तो लोकेशन भी याद रखिए और जगह भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस कंट्री की बात की जा रही है, आंसर डी हो गया। अपनी कंट्री के साथ में अगर लोकेशन आप लोग देखना चाहते हैं तो ये हो गया हमारा प्यारा भारत, यहाँ से अगर आप लोग इसको देखेंगे तो ये क्रीमिया वाला ये इश्यू है, और ये हो गया यूक्रेन, और यहाँ पर ये रशिया हो गया, तो यहाँ से आप लोग इसको कनेक्ट कर देख सकते हैं। 2019 को यूएन जनरल असेंबली के द्वारा प्रोक्लेम किया गया एज ए ईयर, तो कौन सा ईयर यहाँ पर प्रोक्लेम किया गया है? सबसे पहली बात बोली जा रही है इंटरनेशनल ईयर ऑफ द कोस्टल एरिया डेवलपमेंट, यानी कि जो तटीय क्षेत्र होते हैं उसके डेवलपमेंट की बात करते हैं। इंटरनेशनल ईयर ऑफ यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जा रही है, कृत्रिम बुद्धि जिसको बोला जाता है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजिनियस लैंग्वेज, यानी कि जो लोकल लैंग्वेज होती है उसके बारे में बात की जाती है किसी पर्टिकुलर एरिया की, तो इसको बोला गया यानी कि स्वदेशी भाषा आप लोग बोल सकते हैं। इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म फॉर डेवलपमेंट, तो सस्टेनेबल टूरिज्म यानी कि सस्टेनेबल टूरिज्म होना चाहिए डेवलपमेंट के लिए, उसके बारे में बात कर रहा है कि उसके लिए प्रोक्लेम इसको किया गया है। तो क्या है इसका आंसर? आंसर है इसका सी, 2019 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजिनियस लैंग्वेज के लिए यहाँ पर डेडिकेट किया गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, तो आंसर इस तरीके से आप लोगों का सी हो गया। और ये जो यहाँ पर जो लीड किया जा रहा है ये यूनेस्को के द्वारा लीड किया जा रहा है, यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन जिसको आप लोग यूनेस्को बोलते हैं, तो जनरल असेंबली के द्वारा रिक्वेस्ट किया गया कि वो लीड करे इसको और कोऑर्डिनेट करे कंप्लीट ईयर को कैसे रिकॉग्नाइज करना है। आप लोगों को पता होगा, जैसे मान लीजिए आप लोग गांव में से शहर में आते हैं तो आप लोग नॉर्मली अपनी लैंग्वेज बोलने से शर्माते हैं, कई बार आप लोग अपनी लैंग्वेज बोलते भी नहीं है, तो इससे क्या होता है बहुत सारे लोग ऐसे माइग्रेट हो रहे हैं और कई सारी जो लैंग्वेज हैं आज की डेट में वो विलुप्त होती जा रही हैं। कहीं पर भी अपना लैंग्वेज बोलने से शर्माना नहीं है आप लोगों को, अपना लैंग्वेज अगर कहीं पर लोकल आदमी मिलता है अपना खुद के एरिया का तो उसके साथ में जरूर लोकल लैंग्वेज बोलिए, क्योंकि देखिए ये आप लोगों को प्राइड फील करना है, ना कि उसको आप लोगों को ये फील करना है कि क्या बोल रहे हैं, ठीक है। अगर अंग्रेज हमारी कंट्री में आता है और वो हिंदी टूटी फूटी बोलता है तो हम लोग बोलते हैं कि वाओ देखो अंग्रेज भी हिंदी बोल रहा है, और अगर हमारी कंट्री का बंदा कोई वहां पर इंग्लिश बोलने लगे तो उसको ये नहीं बोलेंगे हाँ इंग्लिश चलो ठीक ठाक बोल रहा है चलो इसको सपोर्ट करना चाहिए, ये कहेंगे देख कैसी टूटी फूटी इंग्लिश बोल रहा है। तो ये जो चीजें हैं ना माइंड में, ये हम लोग अपनी लैंग्वेज को जो अंडरमाइन करते हैं ये चीजें हम लोग को छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। तो उसी के तरीके से आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, ये बात की जा रही है यहाँ पर, ये फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमीशन जिसको FSLRC बोला गया, तो FSLRC जो है यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि सेटअप की गई थी पार्लियामेंट के द्वारा, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके यहाँ पर इसको सेटअप किया गया, ठीक है। आप लोगों को पता होना चाहिए एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होगी जो कि ऑलरेडी यहाँ पर संविधान में जब संविधान बना गया, दूसरा जिस तरीके से आप लोग पंचायत देख सकते हैं ये स्टार्टिंग से नहीं थी, हमारी कंट्री में चेंज करके संविधान में तब इसको संविधान में डाला गया, तो ऐसे आप लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली बात यहाँ पर की जा रही है। कमीशन जो है वो चेयर किया जाता है जस्टिस शाह के द्वारा, ये बोला जाए कि इसको शाह कमीशन भी बोला गया। क्या स्टेटमेंट और पूछा जा रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में,
कमीशन जो है यहां पर एक तरीके से रेगुलेट करेगा आर्किटेक्चर और जो फाइनेंशियल मार्केट है उसके बारे में। तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर सही है, ये बात यहां पर की जा रही है। तो जो आंसर आप लोग इसका देखेंगे तो आंसर हो गया इसका ए, यानी कि इनकरेक्ट पूछा गया है। तो इनकरेक्ट यहां पर फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट है, क्योंकि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, पहली तो बात यह है, और दूसरी बात यहां पर यह है ये सहा कमीशन नहीं है। आंसर देख लेते हैं क्या क्या बातें यहां पर की जा रही है। सबसे पहले FSLRC ये एक गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप किया गया है, यहाँ की एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा सेटअप किया गया है, यानी कि ना तो संवैधानिक है ये और ना ही ये स्टेचुटरी है, लॉ के द्वारा सेटअप किया गया है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर गवर्नमेंट के द्वारा यहां पर इसको बनाया गया है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट गलत हो गई, वो सहा कमीशन नहीं था, यह BN श्री कृष्णा कमीशन जिसके द्वारा यहां पर इस तरीके की बातें बोली गई थी कि ऐसा कुछ आप लोगों को सेटअप करना चाहिए। यह कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाता है किसके लिए, फाइनेंशियल मार्केट के लिए। और वो क्या होती है, जैसे आप लोग देखते हैं हमारी कंट्री में स्टॉक एक्सचेंज हो गया, तो उसके बारे में आप लोग बात कीजिए। तो वहां पर जिस तरीके से फाइनेंशियल मार्केट होगी, खासकर ट्रेड वगैरह किया जाता है, सिक्योरिटी और डेरिवेटिव, ये सब चीजें आप लोगों ने इग्नो में पढ़ी भी होगी। तो ये सारे जो बॉन्ड्स की बात करते हैं, स्टॉक्स की बात करते हैं, तो इसी मार्केट की बात यहां पर की जा रही है। तो ये यहां पर इसी को टैकल करने के लिए यहां पर ये कमीशन था और ये यहां पर सेटअप किया गया था इसके द्वारा, ठीक है। BN श्री कृष्णा जो कमीशन है इसकी अध्यक्षता में था यहां पर, जो कि आप लोगों को याद रखना है और इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज में रहती है आज के डेट में ये फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड न्यूज। तो आंसर ए हो गया। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर ये बात की जा रही है ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड के बारे में और इनकरेक्ट पूछा गया है, तो ये जरूर ध्यान से पढ़ा कीजिए आप लोग। तो सबसे पहली बात की जा रही है यूनियन होम मिनिस्ट्री के बारे में, लॉन्च किया गया था डिजिटल बोर्ड प्रोजेक्ट यूनियन होम मिनिस्ट्री के द्वारा। दूसरी स्टेटमेंट है यहाँ पर एम है कि ई रिसोर्स प्रोवाइड कराना एनी टाइम एनीवेयर एनी स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तीसरा यहाँ पर बोला गया है कि डिजिटल बोर्ड प्रोजेक्ट ये इंट्रोड्यूस किया गया है नॉर्थ ईस्ट एरिया के लिए ओनली। तो ये आप लोगों के सामने स्टेटमेंट। तो सबसे पहले अगर आप लोग कॉमन सेंस यूज करेंगे स्टेटमेंट में, तो आप लोग आंसर क्या दे पाएंगे। सबसे पहले मैंने आप सभी लोगों को बताया कि अगर पढ़ाई लिखाई से कभी भी कोई बात आए, नॉर्मली वो कौन सी होगी, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री होगी। तो पहली स्टेटमेंट यहां पर गलत हो गई। दूसरी और यहां पर तीसरी स्टेटमेंट में कॉन्फ्लिक्ट आप लोगों को नजर आएगा, वो क्या है, वो ये कि ये कह रहा है कि किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्लेस पर और किसी भी टाइम ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराने की बात कर रहा है ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड की अगर बात करें, और यहां पर क्या कर रहा है ओनली नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया की बात कर रहा है। तो या तो दो स्टेटमेंट सही है या फिर यहां पर ये तीसरी स्टेटमेंट सही है। और देखिए जब ऑपरेशन की बात की जा रही है तो पर्टिकुलर खासकर पढ़ाई से रिलेटेड ये ऐसी चीजें हैं कि पूरी कंट्री में इंप्लीमेंट करने की बात की जाती है कि हाँ ऐसा कुछ होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में नॉर्मली पढ़ाई लिखाई की बात इस तरीके से पर्टिकुलर एरिया में जाकर डेवलपमेंट की बातें पहले करेंगे, वहां पर पहले स्कूल बनाओ तो सही, पहले रोड वगैरह बनाओ तो सही, डेवलपमेंट तो करो तब जाकर आप लोग इसके बारे में सोचेंगे। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है, थर्ड स्टेटमेंट गलत हो गई। तो वन एंड थर्ड स्टेटमेंट यहां पर गलत हो गई, तो आंसर इस तरीके से सी हो गया। तो थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस भी लगाएंगे, कई सारे क्वेश्चन आप लोग कॉमन सेंस से आराम से सही कर सकते हैं। थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले डिजिटल बोर्ड जो है ये सारे जो भी क्लासरूम है उनको डिजिटल क्लासरूम में कन्वर्ट करने की बात की जा रही है, ताकि किसी भी बच्चों को कहीं पर भी किसी भी तरीके से पढ़ाया जा सके। जैसे कि आज के डेट में लेक्चर की बात करते हैं, तो ये लेक्चर आप लोग कहीं पर भी बैठ के किसी भी कोने में, किसी भी गांव से, शहर से या फिर राज्य से आप लोग इसको देखते हैं, कोई इसके ऊपर बाउंडेशन नहीं है। तो एक तरीके से इसी तरीके से आप लोग उसको कंपेयर कर सकते हैं। ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड की अगर बात की जाए, यहाँ पर ये इंप्लीमेंट किया जा रहा है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के द्वारा इंप्लीमेंट, यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है उसके द्वारा यहाँ पर ये एक तरीके से गाइड किया जा रहा है, ठीक है। तो कौन सी मिनिस्ट्री होगी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जिसके हिसाब से काम यहाँ पर हो रहा है। तो आंसर इस तरीके से सी हो गया आप लोगों के सामने, वन एंड थ्री गलत हो गया और सेकंड यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है और थोड़ा डिफरेंट भी है, आप लोगों ने हो सकता है इसके बारे में सुना भी ना हो। कई सारे बच्चों ने एटमोस्फेरिक वाटर जनरेशन की बात यहां पर की जा रही है। एटमोस्फेरिक वाटर जनरेटर जो है यहां पर ये मैन्युफैक्चर किया जाता है बेल के द्वारा, ठीक है ना। तो हमारी कंट्री की जो कंपनी है यहां पर इसके द्वारा बोला जा रहा है कि ये मैन्युफैक्चर किया जाता है। दूसरी बात यहां पर ये बोली गई है और हां करेक्ट पूछा गया है कि ये एक्सट्रैक्ट करता है जो ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है एटमोस्फेयर में। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि यार कपड़े सुखाने से भी बाहर नहीं सूख रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है। तो जो ह्यूमिडिटी है उसको एब्जॉर्ब करने की बात करते हैं वहां से, यानी कि एटमोस्फेयर में से पानी निकालता है, वाटर एक्सट्रैक्ट करके उसको पोर्टेबल फॉर्म में लेके आता है, यानी कि आप लोग उसे एक जगह से दूसरी जगह पर पानी को ले जा सकते हैं और पीने योग्य पानी भी आप लोग उसको बोल सकते हैं। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है? सबसे पहला तो ये बोल गया बेल ओनली के द्वारा बोला गया है, तो जहां पर भी ओनली वर्ड लिख दिया जाए तो एक बार उसके बारे में सोचे जरूर, क्योंकि वहीं पर कोई ना कोई घपला आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, सेकंड और थर्ड सही है यहां पर। तो आंसर तो हो गया बी। आइए डिटेल में जानते हैं। ये जो है यहाँ पर इस तरीके कोई जनरेटर आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कि बनाया गया है यहाँ पर बेल के साथ में मिलकर, जो CSIR है, ICTC जो IICT है और इसी के साथ में मतहारी एक तरीका स्टार्टअप है हैदराबाद का, इनके द्वारा मिलकर ये सबके द्वारा इसको मैन्युफैक्चर किया गया है। ओके, तो ओनली बेल के द्वारा नहीं है।
इसी के साथ में ये क्या करेगा यहाँ पर, ये जो भी ह्यूमिडिटी होगी एटमोसफेयर में उसको खींच लेगा, ठीक है। और फिर ये एक तरीके से पोर्टेबल पानी हो गया, जो कि सेफ पोर्टेबल पानी होगा, आराम से उसको यूज किया जा सकता है। तो ये काम करने वाला है ये, ठीक है। थोड़ा टेक्निकल है यहाँ पर, तो इस तरीके से आंसर आप लोगों के सामने भी हो गया और डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है और ये है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन पीसीए के बारे में, बहुत ज्यादा न्यूज में था यहाँ पर। ये सबसे पहला बोला जा रहा है कि ये एक तरीके का फ्रेमवर्क है, ये जो फ्रेमवर्क है यहाँ पर ये कहीं ना कहीं चेंज नहीं करता है, जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है उनमें कोई इंपैक्ट नहीं डालता है, यानी कि जो जनरल पब्लिक के लिए यहाँ पर ऑपरेशन चल रहे हैं बैंक के, उन पर कोई इंपैक्ट ये नहीं डालता है, पहली स्टेटमेंट यहाँ पर ये बोली गई है। दूसरी स्टेटमेंट बोली गई कि फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं वो यहाँ पर इश्यू करते हैं पीसीए, और फिर इनको यहाँ पर किस तरीके से बैंकिंग सिस्टम की हालत सुधारी जा सकती है उसके ऊपर फोकस देकर चला जाता है। तीसरी स्टेटमेंट यहाँ पर यह बोली गई है कि कहीं ना कहीं एनकरेज करता है बैंक को कि वो रिस्क से बचे, कुछ ऐसी सिचुएशन रखे ताकि कल को कैपिटल जो है वो सेव रख सके और फालतू की कंडीशन में न पड़े जाकर, यानी कि एक तरीके से सेफ फील्ड प्रोवाइड कराता है बैंक के लिए। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन ऐसा है, अगर लगता है किसी बैंक की खस्ता हालत है और पीसीए के अंदर उसको डाल दिया गया है तो फिर वो ओनली गवर्नमेंट के लिए काम कर पाता है, नॉर्मली प्राइवेट एजेंसी को लोन नहीं दे पाता है, ऐसी कुछ कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं। तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, ए में बोला गया 1 और 3, बी में बोला गया 2 और 3, सी में बोला गया 1 और 2, डी में बोला गया 1, 2 और 3। तो आंसर क्या होगा, ये फाइनेंस मिनिस्टर नहीं होगा, यहाँ पर यह काम आरबीआई के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत होगी, बाकी 1 और 3 यहाँ पर सही होगी। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया यहाँ पर ए, ये आरबीआई के द्वारा जो ये किया गया, इसकी वजह से गवर्नमेंट काफी परेशान थी, वो चाहती थी कि पीसीए के अंडर में कोई भी बैंक ना रहे, क्योंकि अगर पीसीए के अंडर में बैंक रहता है तो उसकी जो काम करने का जो प्रोसीजर है वो थोड़ा लिमिटेड हो जाता है, वो ढंग से लोन नहीं दे पाता है, इससे हमारी कंट्री ग्रोथ भी रुकती है, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा रहेगा तो सामान खरीदेंगे तो सामान बनने की जरूरत पड़ेगी, अगर उसी पर एक जो चक्कर चला है उस पर एक थक्का लग जाएगा तो कैसे काम चलेगा, तो उसी के चलते यहाँ पर ये बात की जा रही है। ओके, तो ये था छोटा सा आज का डिस्कशन, आई होप कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा, इसी तरीके से आप लोग एंजॉय करते रहिए, अपना कंटिन्यूटी बनाए रखिए, और फिर मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए और चीज़ों को रिवाइज जरूर कीजिए संडे में जितना ज़्यादा आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि यही आप लोगों का की ऑफ सक्सेस आप लोग बोल सकते हैं, रिविजन जितना अच्छे से कर लेंगे उतने लंबे समय तक आप लोग इसको याद रख पाएंगे। PDF जाकर टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर पर, सब जगह अवेलेबल हूँ, जहाँ पर भी आप लोग चाहें मेरे साथ में कनेक्ट रह सकते हैं। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार, मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।